तुमसे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे बेटे बेटा मौज कर दे। सो वेलकम बैक बेबीज। तो क्या हालचाल है मेरे सीबी आर्मी। देखो यार, तुम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए 10-12 साल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने .com की अद्भुत प्रेम कहानी, जिन्हें देखने के बाद तुम भी यही कहोगे। तो लगा लो अपने कानों में महंगे वाले एयरफोन, शुरू करते हैं आज की बकचोदी। तो करना बाद में तुम सांसें चुरा के ले जाना, पहले तुम इसे छोड़ तो दो। जिस हिसाब से तुम अपनी हवस दिखा रही हो, पता चला ये बेचारा पैंट में ना पिसाब कर दे। ये बेचारा भी मन ही मन में सोच रहा होगा, पता नहीं आज हमारे साथ क्या क्या करा जाएगा। सही से दुनिया वाले को अपना मुंह दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। नहीं मतलब यार, देख रहे हो क्लीवेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर का रेखा है और उसमें इतनी हवस। ओपी भाई ओपी। हेलो भैया। हाँ बोलना। उसकी आवाज सुनिए, उसको कॉन्फ्रेंस में लो ना यार, प्लीज। अच्छा रुक, मैं लेता हूँ, बट तू कुछ बोलियो मत, ठीक है? हाँ राहुल, कैसा है? मैं बस, तू बता। हाँ मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अजारन कहाँ? मैं भूल गया, आज मेरा बर्थडे है। ये नन्हे मुन्ने .com की अलग ही लेवल की बकचोदी है। जिस उम्र में इनकी खुद से पैंट की जीप नहीं लगती है, उस उम्र में ये गुच्चू मुच्चू कर रहे होते हैं। जिस उम्र में इसे हगने के बाद कोई किसी दूसरे पे आश्रित रहता है कि कोई मेरा आके धुलेगा, उस उम्र में ये दिल लगा बैठे होते हैं। तो यही हाल होगा ना यार। और नहीं मतलब यार, भाई भी ऐसा ही है। ये वही भाई है जो अब खुद के लिए ओयो का रूम बुक करके अपने बहन को अपने दोस्तों के साथ भिजा देते हैं। जा बहन, जी ले अपनी जिंदगी। मेरी दिल रुबा। अरे यार स्कूल खुलवाओ इन सबकी। इन सबको देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना आँख को ना दान कर दूं। जितना कि सिंगल होने से दुख नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा इन सब नन्हे मुन्ने .com को ऐसे करते हुए देखने पे दुख होता है। A few moments later. अरे यार कोई मुझे बताओगे कि जहर कहाँ मिलेगा? अब देखा नहीं जा रहा यार इन सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने .com को। इन सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने .com को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारा धीरे धीरे फेफड़ा काम करना बंद कर रहा है। नहीं मतलब यार, देख लो यार, बहुत दुख होता है यार। नहीं मतलब ये दुख खत्म का ही नहीं होता बे। साला हम सब का बचपन हुआ करता था, गधा और मैना और खेल खेल के टाइम पास करा करता था। लेकिन ये एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने .com का बचपन है जो एक दूसरे के चोंच में चोंच डाल के फिर खेलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा। ओपी बकचोदी यार ओपी। तुम लोग ही बताओ, हम नॉर्मल इंसान से धक्का लग रहा तो क्या बोलते, सॉरी या गलती से लग गया। लेकिन ये टिकटॉकर की अलग ही लेवल की बकचोदी है। इन्हें धक्का लगने के बाद सॉरी मां चुदाई, पहले बस इन्हें गेम खेलने हैं। जिस गेम के बारे में हमें तो क्या नासा वाले को अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि वो कई हजार सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये गेम होता क्या, आखिर ये गेम में करा क्या जाता। नहीं मतलब देख रहे हो, स्लेब भी मार रहा है तो 3000 किलोमीटर दूरी है, फिर भी बहनचोद ये मर गया। नहीं मतलब ओपी बकचोदी भाई, ओपी बकचोदी। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी लगी तुम्हें, अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर ले यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगले वीडियो किस पे आ रही है।